प्रदेश की सरकार जहां बेटियों को बचाने और पढ़ाने का दम भर रही है, वहीं रोहतक के सरकारी स्कूल में छोटी छोटी मासूम बच्चियों के हाथों में कस्सी और घास काटने की मशीन दी गई। स्कूल के दौरान पीटी की घंटी में बच्चों से ये काम करवाया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है स्कूल के टीचर का, जिनके पास प्राचार्य छुट्टी पर होने के बाद स्कूल का चार्ज है। पीटी मैडम के डंडों को देख कर मासूम और नाबालिग बच्चियाँ ये मेहनत का काम करने को मजबूर है। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए उन्हीं हाथों में कस्सी देकर हर कोई सोच में पड़ जाएगा कि ये पढ़ने आती हैं या काम करने। कोई बात नहीं है। आप मुझे आपके स्कूल में छोटे बच्चे कस्सियों से काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर फिजिकल घंटी है, पीटीआई मैडम है, अपने को सेवर करवा रही है। क्या फिजिकल में ऐसा होता है कि मतलब बच्चों से कस्सी चलवा या मशीन चलवा? छोटे बच्चों से, छोटे भाई सातवीं के बच्चे, स्कूल छोटा ही है जी हमारा, छठी सातवीं आठवीं का स्कूल है, पीटीए की घंटी। तो अब पीटीए की घंटी खत्म होगी, बच्चे वापस जा रहे हैं? नहीं फिर आप ऐसे ही कर रहे हो तो फिर है तो ये आप छोटे बच्चों से काम कैसे करा सकते हैं? मुझे नहीं करा सकते सर, फिर ये थोड़ी फिजिकल भी घंटी है ना पीटीए की, लेबर के बच्चे तो नहीं कटवा सकते आप लोग, क्या तो वही फिजिकल में आते हैं? ठीक है, अंडर एज बच्चे हैं ये और आठवीं के बच्चे हैं सर, अंडर एज हैं, ये तो लेबर एक्ट भी आता होगा इसमें तो सर। सो फिजिकल में ऐसे कर लेते हैं थोड़ा बहुत बच्चे काम। क्या नाम आपका? हरपाल सिंह है सर मेरा नाम। आप इस वक्त इंचार्ज हैं? नहीं, वो इन साथ छुट्टी पे हेडमास्टर। कौन है हेडमास्टर? अशोक कुमार जी है। आप किस पोस्ट में हैं? मैं साइंस मास्टर हूँ। तो आज आपकी एंटर हो रहा है ना? हाँ, तो दो तीन मैडम भी नहीं थे ना छुट्टी पे, हैं दो तीन स्टाफ हमारे। अच्छा जी, हाँ। रोहतक से विकास ओलियान की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।